जॉर्ज फर्नांडिस की 92वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। बाढ़ महान आंदोलनकारी एवं समाजवाद के जनक जॉर्ज फर्नांडिस की 92वीं जयंती भागीरथी पेट्रोल पंप पर धूमधाम से मनाई गई। हिंद मजदूर किसान पंचायत के प्रदेश संरक्षक करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष राजू प्रसाद ने जॉर्ज फर्नांडिस की तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हिंद मजदूर पंचायत के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जॉर्ज फर्नांडिस जिंदाबाद के नारे लगाए। मौके पर सुधीर कुमार सिंह, रोशन यादव, विनोद यादव, जितेंद्र राम, पप्पू कुमार आदि मौजूद थे। सभी लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। वहीं कर्मवीर यादव एवं राजू प्रसाद ने कहा कि हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस के बताए आदर्शों पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मजदूरों के हित के लिए जितना लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ते रहेंगे और इनका वाजिब हक दिलाने का प्रयास करेंगे। बिहार झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। यादव और लल्लू मुखिया जी के नेतृत्व में इस देश के महान क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत पूरे देश में समाजवाद का लहर चलाने वाले आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी की आज 92वीं जयंती मना रहे हैं। आज पूरे देश में इनको याद किया जा रहा है। 1974 मजदूर आंदोलन के क्रांतिकारी दिवस के रूप में जाना जाता है। 1974 का रेल रोको आंदोलन जब इन्होंने शुरुआत किया था तो पूरे भारत के अंदर रेल रुक गई थी। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन देशों ने इनके आंदोलन का समर्थन किया था और इंदिरा गांधी को मजबूरन इमरजेंसी लगानी पड़ी थी 23 जून 1975 को, और पूरे देश में इमरजेंसी लगी थी। इनका दो का आंदोलन बहुत ही बड़ा था। इनका मानना था कि अगर सरकार और सत्ता में बैठे लोग अगर आपकी बात, मजदूरों किसानों की बात नहीं सुनते हैं तो इनको इनके पैरों कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए धमाका करना चाहिए, इनका ये मानना था। और इसीलिए इन्होंने इंदिरा गांधी का अहमदाबाद का जो कार्यक्रम था उसमें धमाका करने के लिए, डायनामाइट कांड करने के लिए लोगों को उत्साहित किया था, और शायद इसीलिए इनको सजाए काला पानी हुई। और सुंदरबन में सजाए काला पानी 19 महीना जेल में काटने के बाद जब वो इनका इनकाउंटर करना चाहती थी इंदिरा गांधी, तो पूरे विश्व के लोगों ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखा कि अगर आपने जॉर्ज साहब का इनकाउंटर किया तो हमारे भारत से राजनीतिक संबंध खत्म हो जाएंगे। और तब इंदिरा गांधी को मजबूरन इनको जो है इनकाउंटर करने से रोकना पड़ा। ये है जॉर्ज फर्नांडिस। इनके विचारों पर इन्होंने 1953 में पहला उपचुनाव लड़ा और लोग मुंबई सदर से जो है लोकसभा का चुनाव जीत के संसद में पहुंचे और वहां भी मजदूरों की बात को इन्होंने बुलंद किया। शायद इसीलिए पहली बार जब ये मंत्री बने, उद्योग मंत्री 1977 में जेल में रहते हुए मंत्री बने थे, और उस वक्त जब मंत्री बने उन्होंने पहला काम किया कि भारत के अंदर कुम्हारों को रोजगार देने के लिए मिट्टी के बर्तन में रेलवे में चाय बेचने का इन्होंने एक नया कानून लाया था देश में जो लागू हुआ था। और इन्होंने ही कहा कि हमारे देश की सत्तू सबसे प्रथम भोजन है और सत्तू की लस्सी बेचिए आप ट्रेन के अंदर में, दूध की लस्सी बेचिए। इसीलिए उन्होंने कोका कोला का विरोध किया था और कोका कोला को भारत से बाहर कर दिया था। दोबारा 1999 में कांग्रेस की सरकार कोका कोला को लेके आई है। इस तरह से इनका एक अपना प्रभाव था जो मजदूरों किसानों के बीच में काम करते थे। आज आदरणीय मुखिया जी ने इनके जन्म दिवस पर इनको याद किया है, इनको विनम्र श्रद्धांजलि दी है। हम सब मुखिया जी के और जॉर्ज साहब को, सबको जो है मुखिया जी और हम सब लोग मिलकर जॉर्ज साहब को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। हम चाहेंगे मुखिया जी दो शब्द इनके बारे में। और अपने लिए नहीं, सभी मजदूर के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़े और दूसरे देश भी इनका समर्थन किया। आज जितना लेबर एक्ट के तहत नियम बना और कानून बनाए और जो मजदूर के लिए जॉर्ज साहब जो किए हैं, यह बहुत ही सराहनीय है। आज इन्हीं के जो नियम बनाए हैं उस नियम के मुताबिक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज साहब, इन सबों का अहम योगदान है हम वर्कर के लिए, जो कि आज इनके नीति और सिद्धांतों पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और सभी लोग, इनका कहना था कि एकता में ही बल है। जब हम सभी मजदूर, सभी वर्कर एकजुट रहेंगे तो बढ़िया से बढ़िया मुकाम को हासिल करने में हम लोग कामयाब होंगे।
रहिए, हम लोग संगठित रहिए, सुसज्जित रहिए, सुरक्षित रहिए और रह कर करके हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी दुख सुख होगा, हर समय हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे जब तक इस धरती पर।